नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ बेशरम बेवफाब बेहया, मेरे हाथों में इसे आंख लगा के तू। अरे तुमने मेरे प्रकाश को मारा। क्यों प्रकाश, क्या गलती हो गई है? क्यों नाराज हो गए मुझसे? हाँ? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों उठाया तुमने मुझे? मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। लगता है फिर तुम्हारा जी सबके सामने झापड़ खाने को मतला रहा है। अरे उठा कर तो देखो तुम अपना हाथ मेरे ऊपर। अगर मैंने तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारी 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 इस जेब में डाल दिया तो मेरा भी नाम प्रकाश नहीं, समझी? देखो मैं कहती रुक जाओ यहाँ, वरना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे जा जाओ, कॉलेज में बहुत सी हैं, मैंने बहुत नखरे झेल लिए तुम्हारे। जाओ किसी का भी हाथ पकड़ लो, जाओ। मैं तो किसी न किसी का हाथ पकड़ ही लूंगी, लेकिन तुम्हें एक गंदे नाले में डूब के मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। और तुम्हारा काम ही क्या है? जिस तरह से नेता लोग अपनी पार्टी बदलते हैं ना, उसी तरह से तुम जैसी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं, अपने कपड़ों की तरह। सुबह एक ड्रेस तो शाम को दूसरी ड्रेस। मगर इतना याद रखो कि अगर तुम्हारी यही हालत रही ना, तो कोई तुम्हें फटे हुए जूते की तरह, नहीं ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कल ही खरीदा है, कोई तुम्हें फटे हुए जूते की तरह भी अपने पाँव में नहीं पहनेगा, समझी? अच्छा तो ये बात है, तो फिर उल्लू की तरह खड़ा क्यों है? पकड़ ली मेरा हाथ, बना ले मुझे अपना। आए हाय, फिर हाथी क्या पकड़ना है? पूरी की पूरी ना पकड़ लो साहब। ये लीजिए। क्या हुआ, क्या बात है? ये सब क्या है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? और तुमने हमें बताया तक नहीं? इसमें बताने के लिए था ही क्या? इसका मतलब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। ऐसा मत कहो माँ, प्यार तुमसे और मंगनी किसी और से? अश्विन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ अश्विन ऐसा नहीं है। देखा इस मूर्ख लड़की को, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कह रही है अश्विन ऐसा लड़का नहीं है। माँ बच्चों मुझे। पापा आप तो जानते हैं। आप? जी मैं अश्विन से मिलने आई हूँ। वो घर पर नहीं है। ठहरिए मैं आपसे बात करूंगी, अंदर आइए। बैठिए। अश्विन से मिलने आई हैं, जरूर पूजा की कोई बात होगी। आप जैसे लोग आखिर कब सोचेंगे? किसी भी लड़की का खूबसूरत होना उसका जन्म से अधिकार है, लेकिन उस खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करना या नाजायज फायदा उठाना उस लड़की को शोभा नहीं देता। और फिर एक अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाना बहुत ही घटिया हरकत है। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमने अपने बच्चों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी है, तो यूं ही 50,000 की हीरे की अंगूठी है की? अच्छा बेटी के इतने करीब रहते हुए भी आपकी नजर उसके हीरे की अंगूठी पर नहीं पड़ी, या आपने नजर पड़ने नहीं दी? मेरी बेटी 50,000 की अंगूठी? दूधपी थी बच्ची है क्या? अगर ये इल्जाम हम आप लोगों पर लगाएं,
कि आप माँ बेटी ने मिलकर हमारे बेटे के भोलेपन का फायदा उठाया और उससे 50,000 रुपए की अंगूठी ऐंठी, तो इस इल्जाम का जवाब है आपके पास? और अगर 50,000 से पेट ना भरा हो तो ये लीजिए और भर दीजिए इसमें अपनी बेटी की कीमत। मैं पूछती हूँ, इस घर में ऐसी कौन सी कमी थी कि जो एक भिखारन की तरह तुमने आंखें बंद करके उस अमीरजादे लड़के की अंगूठी पहन ली? बोल जवाब दे। सुधा, जरा होश से काम लो। होश और अकल मेरी उस वक्त गायब हो गई थी जिस वक्त मैंने उस शीश महल में कदम रखे। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, ये सब इसकी वजह से है। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी घटना को छोटी सी बात समझते हैं आप? इस घर की इज्जत और हमारी बेटी की 50,000 कीमत लगाई है उस अमीर औरत ने। वो औरत तो मूर्ख है ही, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख तुम हो जो उसके घर अपना रोना लेकर गई थी। क्या उसने तुम्हारा दुख दर्द बांटा? क्या उसने एक माँ के दिल की ठेस को समझने की कोशिश की? उस औरत के सीने में माँ का दिल नहीं, पत्थर का दिल है। लेकिन कुदरत का इंसाफ इतना अंधा नहीं है सुधा। जब उसको अपनी दौलत, अपने अभिमान की कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसके घमंड का शीश महल टूट फूट कर चकनाचूर हो जाएगा। जवानी के जोश में बच्चों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कई कुमारी लड़कियां अपने भोलेपन और अपनी मासूमियत की वजह से माएं बन जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें प्यार करने की इतनी सख्त सजा दी जाए। हमने अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं पाला है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है कि जिसकी वजह से उसके कदम बहक जाए। और ना ही अश्विन ऐसा लड़का है कि वो किसी लड़की के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे। वो लड़का अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने और मैंने इस कुर्सी का बहुत आदर किया है। आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म और तुम्हारी शुरू। ओके मॉम, आई वॉन्ट लेट इट ऑन। तू भी जी। जूली, फॉलो मी। श्योर सर। दुबे जी आ गए? उनके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता सर। जूली? यस सर। हाँ, मैं 15 मिनट के अंदर अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, मैनेजर से लेकर चपरासी तक सबकी लिस्ट चाहिए। यू थिंक यू कैन डू इट? श्योर सर। एनीथिंग मोर सर? नो थैंक यू, नाउ यू कैन गो। ऑल राइट। नमस्ते जी। फिल्म का टिकट लाया? नहीं। मॉर्निंग। घोड़े की तरह करता है। जूली, अश्विन बिटवा आ गया। मिस्टर दुबे, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा कि आप मिस्टर अश्विन को अश्विन कहने के बजाय अभी बॉस कहना शुरू कर दें। अरे बॉस होगा तुम लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिटवा ही है। अंदर जाने से पहले आप अपना पसीना पोंछ लीजिएगा। बस में कंडक्टर नहीं था ना। बहुत लोग मिस्टर दुबे हैज रिपोर्टेड ऑन ड्यूटी। गर्मी लगी। यस सर, अंदर जाइए। ये बिटवाने दफ्तर में आते ही कौन सा अंग्रेजी सिस्टम शुरू कर दिया है कुछ समझ में नहीं आता। जूली मेरा ये रख के जाता हूँ। क्या बैग? बैग। हमको बुलाया बिटवा। ये आपका ऑफिस आने का वक्त है।
अब कहा बताए बेटवा, हमको बहुत सारी ड्यूटी बजानी पड़ती है ना। क्या क्या ड्यूटी बजानी पड़ती है? अब क्या बताए, घर के नौकर लोग इतने हरामखोर है कि सारा रसोई घर का सामान भी हम ही को खरीदना पड़ता है, और ये ड्राइवर लोग महाचोर, सब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल हमको हमारी निगरानी में भरवाना पड़ता है, यहाँ तक कि टेलीफोन और बिजली का बिल भी हम ही को भरना पड़ता है। और क्या क्या करना पड़ता है आपको मिस्टर दुबे? अब कहा बताए बिटवा, हम इस कंपनी के मैनेजर है, नहीं तो ये कंपनी का स्टाफ कंपनी को बेच कर खा जाए। हाँ, अब तुम्हारे पिताजी थे ना तो हम मैनेजर थे, अब बहुरानी थी तो हम मैनेजर थे, अब तुम आ गए हो बिटवा तो हमको वैसे ही संभालना। मिस्टर दुबे, आपको इस कंपनी में कितने सालों के काम करते हुए? करीबन 40 साल, लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है बिटवा। लगता है अब आपको लंबी छुट्टी पे भेजने का वक्त आ गया है। एक बात ये आप गांठ बांध लीजिए कि मैं आपका बेटा नहीं, आपका बॉस हूँ। जी बॉस। कहाँ के रहने वाले हो? बनारस के भी बॉस। इस धोती और कुर्ते में बनारस से बॉम्बे तक तो आ गए, लेकिन पिछले 40 साल में धोती और कुर्ते से पैंट शर्ट तक नहीं आए। अब कल से आप ऑफिस आएंगे, वो भी इन सूट और इन टाइम। कुछ समझ में आया आपके? जी मैं धोती निकाल दूंगा, मैं पैंट और शर्ट और सूट पहन कर आऊंगा, और साथ में ये भी। इस ऑफिस में मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ मेरा। यहाँ की कोई भी बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि मालकिन के पास भी नहीं। यू अंडरस्टैंड मिस्टर दुबे? आई अंडरस्टैंडिंग बॉस, करीबन नहीं जाएगी। ठीक है, नाउ यू कैन गो। ओके, हियर इज द रिकॉर्ड यू आस्क्ड फॉर सर। थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही है? अरे ये क्या भाई, होली तो कल है, इसीलिए तो सिर्फ पानी का बलून फेंका। असली होली तो कल अपनी बस्ती में होने वाली है। क्यों नहीं? अरे यार अश्विन कहाँ है, उसे भी तो आना चाहिए ना। साला धंधे में ऐसा उलझा है, हमें भूल ही गया है। हमें तो क्या, वो पूजा तक को भूल गया। साला बेवफा, दगाबाज कहीं का। डब्बा कल उसको लेके आ तू। हाँ जरूर लाऊंगा। अच्छा बाय अश्विन। पूजा लिली कुत्ती। अरे ये अपना बिड़ू बाल क्यों नोच रहा है? लगता है कल भांग बहुत ज्यादा पी ली, अभी तक नशा नहीं उतरा। भांग पियोगी तेरे बाप ने? मैं तो कल से पजल्ड हूँ भैया, पजल्ड। पजल्ड? और तू? अबे पजल होने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, और जो इसके पास है नहीं। अबे डब्बे डब्बे दिमाग है तभी तो कल से उलझा हूँ इस गुत्थी में। क्या अपने हीरो ने मंगनी तो कर ली लिली के साथ, और कल होली खेली पूजा के साथ? हाँ यार, पूजा की ये बात समझ में नहीं आई, वो हंस हंस के नाच क्यों रही थी? अपनी समझ में तो ये माजरा आया नहीं भैया, और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ अश्विन ही सुलझा सकता है, समझे? ठीक कह रहे हैं। अश्विन, आज सुबह तो तुमने टेलीफोन उठाकर बैंक कर दिया था, शायद नींद में थे। अब तो चंद बोल प्यार के बोल दीजिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? आज फिर चंद घड़ियां हमारे साथ गुजारिए, हमारी तकदीर सवर जाएगी। लेकिन तुम्हारी तकदीर सवारने आओ कहाँ? आज शाम होटल शैमलॉक में इकट्ठे खाना खाएंगे। ओके? अच्छा बाबा, ओके बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटे। सुनो अश्विन, आज शाम को जल्दी वापस लौट आना। क्यों मॉम? वो क्या है बेटे, जब से पूरी साहब अपने फ्लैट में चले गए हैं, हमसे कुछ हट से गए हैं, इसलिए आज रात को हम उनके साथ होटल शैमरॉक में खाना खा रहे हैं। मेरा जाना जरूरी है मॉम? ऑफ कोर्स बेटे, अब तक तो लिली के 4 फोन आ चुके हैं। ओके मॉम। कौन है आप? मुझे पहचाने नहीं? मैं दुबे, दुबे। अच्छा दुबे जी के बेटे हैं आप? मैं इतना यंग लगता हूँ तो हम लोग लिबर्टी में पिक्चर देखने जा सकते हैं, वहाँ काफी लिबर्टी ले सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, जस्ट मैरिड। बहुत नहीं पसंद है तो बाजू में हनीमून लगी है, हनीमून देखेंगे करेंगे, नहीं देखेंगे। किससे मिलना है आपको? अरे अश्विन बिटवा से। ओह
मिस्टर दुबे, वाह व्हाट अ चेंज। मैं दुबे दुबे अच्छा लगता हूँ ना, धोती निकाल दी तो आई मीन पैंट कोट शर्ट पहन लिया तो। बॉस आ गया है? हाँ आ गए, गो 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 अहेड, ही इज वेटिंग फॉर यू। गो, मैं मेरा रख के जाता हूँ। क्या? बैग बैग बैग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर दुबे, नाउ यू लुक लाइक अ रियल मैनेजर ऑफ ओबेरॉय कंपनीज। थैंक यू सर, एनीथिंग आई कैन डू सर फॉर यू। मैं अपनी कंपनी के स्टाफ का पे स्केल देख रहा था, वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है। ओ, और इसलिए हमारी कंपनी का आउटपुट भी। मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी के स्टाफ का पे स्केल 30% बढ़ा दिया जाए। लेकिन बॉस, दूसरी कंपनी के हिसाब से हमारी कंपनी के स्टाफ का पगार बहुत ज्यादा है। मैं दूसरी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। और ये बात भी, ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। That's good, Mr. Dubey. You understand very fast. Yes, sir. I am very fast man. Now you can go. Okay. शायद ओवर टाइम कर रही है, मैं भी करूंगा। What nonsense? कौन हो तुम? किसने लगाने दिए तुम्हें? तुम्हारी कशिश खिंचलाई जाने मन। वैसे बाय द वे, तुम हर रोज स्कर्ट पहनकर ऊपर चढ़ती हो, आई मीन ऑफिस में आती हो? ओह यू शट अप, इससे पहले कि मैं चपरासी को बुलाकर तुम्हें गेट आउट करूं। मैडम ये चपरासी के बस की बात तो है नहीं, हमें बाहर निकालने के लिए आपको पूरी फौज बुलानी पड़ेगी, आई मीन द होल इंडियन आर्मी की तोपें। टेक योर हैंड अवे फ्रॉम मी। किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है? अरे कमाल कर रही हैं आप, अपने दोस्त से मिलना है, इस दफ्तर के मालिक से मिलना है और आपके बॉस से मिलना है। तो लिखिए अपना नाम यहाँ पे। मैडम ये नाम वाम का नाटक छोड़िए और बोलिए उस उल्लू के पट्टे को कि उसका दोस्त आया। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो बॉस, सर मिस्टर, क्या नाम बताया? उल्लू का पट्टा, आई मीन उल्लू के पट्टे का दोस्त प्रकाश। सर मिस्टर प्रकाश हैज कम टू सी यू। ओके सर, थैंक यू। मिस जूली डिसूजा, आप इतनी खूबसूरत है, लंबी चौड़ी है, मेरा आपको सजेशन है कि आप ये स्कर्ट्स वगैरह पहनना बंद कर दीजिए, आप साड़ियां पहना कीजिए और सलवार कमीज वगैरह पहना कीजिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने देखना था वो देख लिया, अब कई बार क्यों देखे। What a stupid man, मुझे तो नहीं लगता बॉस का ऐसा कोई दोस्त होगा। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। फिर किस लिए आया हूँ? तुम्हें 100 जूते मारकर एक गिनने आया हूँ मैं। वाह क्या ठाट बाट है, क्या तार तरीका है तुम्हारा। राधा के हाथ में मुरली थमा दी और गुलचर्रे गोपियों से, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? जिन अंगारों पर मैं लौट रहा हूं मैं ही जानता हूं। तुम्हारे आने से पहले मैंने पूजा के नाम एक खत लिखा है, लो पढ़ लो। मुझे माफ कर दे यार, मैं तो पहले ही कहता था कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरे यार में नहीं। मुझे इस वक्त तुम दोस्तों की मदद की जरूरत है। अरे तू हुक्म कर यार, जान हाजिर है। पहले तो चिट्ठी पूजा तक पहुंचा दो, ठीक है, और अपना पार्ट अच्छी तरह से याद कर लो। हाँ। क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अरे तू फिक्र मत कर यार, मैं ऐसी डायरेक्शन दूंगा, ऐसी डायरेक्शन दूंगा कि लोग वो हॉलीवुड का डायरेक्टर, क्या नाम उसका, वो स्टीवन स्पीलबर्ग, हाँ वो स्टीवन स्पीलबर्ग भाई, लोग उसको भी भूल जाएंगे। मैं ऐसा मामला जमाऊंगा कि पूजा भी खुश, तू भी खुश और तेरा यार भी खुश। हाँ देख। वेलकम मैडम, वेलकम सर, आइए प्लीज, आइए आइए, बैठिए, बैठो बेटे। कुछ भी कहिए सविता भाभी, हमें अपना होने वाला दामाद बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। हमने अश्विन को अपनी बेटी के लिए यूं ही नहीं चुना। He's really groovy, पापा, लेकिन कभी कभी तंग बहुत करता है, अपॉइंटमेंट देकर कभी टाइम से नहीं आता। नया नया बिजनेस संभाला है ना बेटी, रात को देर से लौटता है और सुबह जल्दी चला जाता है। सविता भाभी जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाए अच्छा है, लिली सब संभालेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो बिजनेस संभाला है, पहले बिजनेस तो ठीक से संभाल लो। साहबजादे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ,
पहले बिजनेस बाद में शादी। आइए मैडम, वो रहा आपका टेबल, आइए। अश्विन। यस मॉम। तुमने इसे यहाँ बुलाया? किसे मॉम? पूजा को। मामा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। क्या बातें हो रही है? सामने बैठे लड़की की तारीफ हो रही है। छी, कितनी भद्दी लग रही है। वाइट तो यहाँ फ्यूनरल में पहना जाता है ना? लेकिन बेटे अच्छी लग रही है। She is looking beautiful. Not more than me, पापा। क्यों अश्विन? Oh, sure. सब कुछ जम गया है। पूजा भी आ गई है। फिक्र मत करो, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हाँ। मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए, आगे का सब इंतजाम हो गया है? मेरे इशारा करते ही तमाम लाइटें ऑफ हो जानी चाहिए। हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कपड़े ठीक? ऑल द बेस्ट, गुड लक। पूजा, थम्स अप को विस्की बना के लाऊं? वेटर, मेरे लिए विस्की लाओ। वेटर? यस मैम। ऑन द रॉक्स। वेटर? यस मैम। यस मैम। हमारे लिए एक डबल स्कॉच लाओ। यस मैम। वेटर? यस मैम। यस मैम। ऑन द रॉक्स। यस मैम। यस मैम। आपने बुलाया? जी नहीं। यस मैम। यस मैम। अरे सुन, पूजा का नकली जाम रेडी है क्या? हाँ, ये रहा। लेके जा, लेके जा, लेके जा। और लिली का असली जाम? ये रहा। अरे एक से क्या होगा, तू और बना, जल्दी कर। ठीक है। थैंक्स। आज अगर मैंने लिली को आउट नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम निकल जाएगी, निकल जाएगी। हो गया। लिली बन जा देगी बिल्ली। देखो तो कितनी बेशर्मी से सबके सामने बिस्की पी रही है। ओह, हमें इसे क्या लेने देना। एक्सक्यूज मी मैम, वन लार्ज स्कॉच ऑन द रॉक्स। Another one. मालूम था, one more. Another one. मालूम था मैम, one more. Excuse me मैम, same thing repeat. Yes. जो तुम आओ। मेरी बेटी, ये भाभी परेशान होने की कोई बात नहीं है, वेस्ट में ये आम बात है। बस बेटी बस करो, बहुत हो गया। पापा बहुत मजा आ रहा है। आज के लिए इतना काफी है। अश्विन। यस मॉम। मंगनी के बाद तुम पूजा से कभी नहीं मिले? नहीं। सुनो, खा मेरे सर की कसम। मॉम कसम तो झूठे लोग खाते हैं। इसका मतलब है तुम पूजा से मिले थे। पूजा पूजा पूजा, जब मैं पूजा को भुला देना चाहता हूँ, मुझे बार बार उसकी याद क्यों दिला रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपके होने वाली बहू अगर पब्लिक में शराब पिए तो आपको कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर पूजा पब्लिक में शराब पिए तो आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो हमारी बराबरी की नहीं। लिली अगर स्विमिंग पूल में गिर कर गोते खाने लगे और पूजा उसे बचा ले तो ये पूजा की घटिया हरकत है। अपनी आत्मा को जरा टटोलिए, एक ही रात में कहीं आपके अंदर से कुछ टूट गया है जिसे आप जोड़ नहीं पा रही। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।